आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी कार्ड के ऊपर। देखिए आज के इस डिजिटल दौर में मेमोरी कार्ड कौन नहीं यूज करता। अगर हम बात करें मोबाइल फोन, डीएसएलआर, कंप्यूटर या फिर कोई भी मल्टीमीडिया डिवाइस जिसमें मेमोरी कार्ड यूज होता हो, तो ऐसे में आपको चाहिए होता है एक मेमोरी कार्ड, जिसे लेने आप जाते हो दुकानदार के पास। अब दुकानदार जो है आपके सामने वैरायटी ऑफ मेमोरी कार्ड जो है रख देता है, जिसमें से आप जो है अपने बजट के हिसाब से एक मेमोरी कार्ड जो चूज कर लेते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मेमोरी कार्ड हम लाते हैं अपने उस डिवाइस के लिए, वो उसके लिए इनकॉम्पैटिबल होता है, सपोर्ट नहीं करता, पैसा जो है आपका वेस्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो मेमोरी कार्ड लेते हो बिना इन्फॉर्मेशन जाने अंदाजे कोई भी मेमोरी कार्ड जो है चूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको दुकानदार ने 8GB का दो मेमोरी कार्ड दिखाया, एक क्लास 4 का है और एक क्लास 6 का है, तो ऐसे में क्लास 4 वाले का प्राइस जो होगा क्लास 6 वाले से कम होगा। वेल, ये सब आगे वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप एक मेमोरी कार्ड लेना चाह रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, हो सके मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं आपको पैसे बचाने में या फिर आपको एक सही डिसीजन लेने में। हेलो दोस्तों, मैं नजरुल दिन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देख किस बात की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मेमोरी बहुत सारे टाइप की होती है। अगर आप अपने डिवाइस के लिए एक मेमोरी कार्ड लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि आपका डिवाइस जो है किस टाइप का मेमोरी कार्ड जो है सपोर्ट करता है, तभी आप जो है अपने डिवाइस के लिए एक प्रॉपर मेमोरी कार्ड जो है चूज कर पाएंगे। वेल, ये सब आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेमोरी कार्ड को अपने हाथ में लिया होगा या फिर कभी देखा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा मेमोरी कार्ड के ऊपर जो है छोटे छोटे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं। यार, इनका क्या मतलब होता है या फिर एक्चुअल इनका क्या मीनिंग होता है, तो आइए इस वीडियो में पूरा वन बाय वन करके इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। जैसा कि आपको इस मेमोरी कार्ड पर लिखा दिखाई दे रहा है, XC10U1A1, इन सभी का क्या मतलब होता है, आइए इसको वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सी, ये क्या होता है। तो एक्सी जो एक मेमोरी कार्ड का टाइप होता है। बेसिकली एक मेमोरी कार्ड का टाइप की बात करें, तो मेमोरी कार्ड का जो है तीन टाइप होता है, लेकिन एक और नया टाइप ऐड हो गया है, तो आप चार टाइप कह सकते हो। पहला होता है सिक्योर डिजिटल, जिसको हम लोग एसडी कार्ड कहते हैं, और इसका कैपेसिटी जो होता है वो होता है 2GB तक। दूसरा होता है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी, इसको हम लोग एचसी कार्ड कहते हैं, और इसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है 4GB से लेके 32GB तक। तीसरा होता है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, इसको हम लोग एक्सी कार्ड कहते हैं, और इसका कैपेसिटी जो होता है वो होता है 64GB से लेके 2TB तक। और चौथा जो होता है वो होता है सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी, इसको हम लोग यूसी कार्ड कहते हैं, और इसका कैपेसिटी जो होता है वो होता है 2TB से 128TB तक। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस 10 के बारे में, ये 10 का क्या मतलब होता है। देखो यार, अलग अलग मेमोरी कार्ड में आपने अलग अलग क्लास देखी होगी, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 और किसी में 10। क्लास जो है वो 2 से लेकर 10 तक होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनका क्या मतलब होता है, देखो किसी भी मेमोरी कार्ड में जो है एक मिनिमम राइटिंग स्पीड होता है, जो भी क्लास होगा उसमें उतना स्पीड होता है, ठीक है। क्लास 2 वाले में जो है 2 MB/s का स्पीड होता है, क्लास 4 वाले में 4 MB/s का स्पीड होता है, क्लास 6 वाले में 6 MB, और उसी तरह जो है क्लास 10 में भी है 10 MB/s। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं U1, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है UHS, अल्ट्रा हाई स्पीड। अब ये जो है ये भी एक तरह का स्पीड ही है, तो ये भी दो तरह के स्पीड में आता है, एक U1 और एक U3। U1 का मतलब होता है 10 MB/s, U3 का मतलब होता है 30 MB/s। अब ये यूज क्यों होता है, देखो यार, आप क्लास 10 में फुल एचडी वीडियो तक तो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन हम बात करते हैं 4K की, क्योंकि आज के टाइम में जो है नए नए कैमरे आ गए हैं, जैसे डीएसएलआर वगैरह बहुत सारे, जिसमें 4K रिकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे में आप जो 4K रिकॉर्डिंग करोगे, तो 4K रिकॉर्डिंग का आपको पता है कि एक फ्रेम का रेजोल्यूशन काफी हाई होता है, काफी स्पीड में वो जो है फ्रेम बनाता है, तो आपके मेमोरी में भी उतना कैपेसिटी होना चाहिए उतने स्पीड में उसको राइट करने का, जितना स्पीड में आपका कैमरा फ्रेम बना रहा है। अगर आपका मेमोरी उतना स्पीड में फ्रेम नहीं बना पाएगा, तो वो क्या करेगा, आपके जो 4K वीडियो के फ्रेम्स जो है उनको बीच बीच में वो स्किप करता जाएगा, और फाइनल आउटपुट जो वीडियो का आपको मिलेगा वो जो है कट कट के चलेगा, रुक रुक के चलेगा। तो ये होता है UI और U3, इसलिए लाया गया अल्ट्रा हाई स्पीड। अब A1 के बारे में बात करते हैं कि A1 क्या होता है। तो देखो, A1 जो है किसी एक मेमोरी कार्ड का जो है स्पीड रेटिंग होता है, A1 और A2 ये दो होते हैं। तो A1 का स्पीड जो होता है उससे कहीं बेहतर जो आप A2 को कह सकते हो, क्योंकि इनपुट आउटपुट जो स्पीड होता है वो A2 का A1 से काफी अच्छा होता है। तो बस दोस्तों, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक मेमोरी कार्ड के बारे में। दोस्तों, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से खुद से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से मेमोरी कार्ड में कौन सा डिफरेंस है, आप खुद से देख सकते हो।
तो बस दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चल सके कि एक मेमोरी कार्ड लेने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मन में कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।